मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, पूरा हिंदुस्तान जिस नगरी के लिए आज गौरव कर रहा है वो बड़ौदा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के बोलूंगा। अगर पहला हक है तो बड़ौदा के मेरे भाई और बहनों का, आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है। अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के वाह तक की ये यात्रा है और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाई बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, बड़ौदा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था, और आपने 5,70,000 वोट नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने
नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। दूसरी बात, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। आपको मालूम है, मैंने अभी तक मीडिया में ये बात मेरी नजर में नहीं आई, शायद मीडिया वालों को भी नजर नहीं आया होगा। हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हुआ जनरल इलेक्शन हुआ, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपचुनाव कहीं एकाध दो जगह पे उपचुनाव होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मीडिया वाले मुझे कोई नेगेटिव कोट करके फिर गाड़ी आगे न चला दें। मुझे बताया गया कि हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन, ये काम बड़ौदा ने कर करके इतिहास में अपना नाम लिखा दिया है। मैं इस नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करने के लिए बड़ौदा के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के इलेक्शन कमीशन को, देश के जागरूक नागरिकों को और देश के निष्पक्ष मीडिया को ये प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए और किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं,
किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन चार मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन, यानी बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया, वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष मीडिया, देश के निष्पक्ष एनजीओ, इलेक्शन कमीशन, बड़ौदा की सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ की एक्टिविटी का एक दस्तावेज तैयार करके भविष्य के चुनाव में राजनीतिक दलों के सिवाय, सरकार के सिवाय, मीडिया के सिवाय और भी लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका एक उत्तम काम बड़ौदा के किया है। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं और भविष्य में देश के लोकतंत्र की ताकत क्या है उसका परिचय कराने के लिए ऐसा करें, तीन चार लोग वहां से खाली हो जाए, लोग देख पाए। आप इधर को आ जाइए। देखिए, मोदी कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। और इसलिए भाई बहनों, मैं मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, इसके लिए मैं बड़ौदा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26, पहले जब बोलते थे ना तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और मैं बताता हूं 26 में से अगर 25 भी आती ना तो कल हमारी धुलाई हो जाती। भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई, 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25 आई। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं, तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है, लाख, दो लाख, चार लाख तो आसान है। मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया, 60%।
ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है, ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, कुछ असेंबली के उपचुनाव थे, अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो एक लीटर दूध लेने के बाद वो गृहिणी होती ना, दूध वालों के अरे थोड़ा ऊपर दे दो, तो वो थोड़ा डाल देता है, डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा दो मिर्ची कोथमीर डाल दे, तो डाल देता है ना। तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस से उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी, 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी को असेंबली में भी दे दी, और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, ये चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत व्यस्त था इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट क्या थे, टीवी डिबेट क्या था, उसके मुझे पता नहीं है। इसलिए अगर ये बात आ गई हो तो जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा मैं उनका अभिनंदन करता हूं, अगर नहीं किया है तो भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो एक प्रकार से गठबंधन आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलूं, बोलो भैया। थैंक यू। भाई बहनों, देश के आजाद होने के बाद जितने चुनाव हुए, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी, ज्यादातर सरकार कांग्रेस की बनी या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए जैसे गठबंधन की बनी या विपक्ष के गठबंधन की सरकारें बनी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो भी एक प्रकार से कई दलों से मिलाकर के जनता पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये पहला चुनाव है आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से 1952 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला
एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ है।